दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के चलते सल्ट विधानसभा सीट खाली हुई है। उत्तराखंड स्थित अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट डिसाइड कर दी है। 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा उपचुनाव पर मतदान होना है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सल्ट चुनाव के लिए 30 मार्च अंतिम तिथि नामांकन के लिए दी है। इसके साथ ही 3 अप्रैल को नाम वापसी का दिन तय किया गया है। वहीं उपचुनाव की अगर हम बात करें तो वोटों की गिनती 2 मई को होगी। कल 17 तारीख से मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारी पूरी तैयारी है। हम पहले से तैयार थे और कल भी सल्ट के सारे शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर आए थे और उनसे मिलना हुआ, बातचीत हुई है और वहाँ बूथ तक हमारा काम हुआ है और बूथ तक हमारा सारे जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं और पन्ना प्रमुख तक और संगठन ने काम किया है। निश्चित है कि हमारा अपना काम बोलता है। सुरेंद्र जीना जी हमारे बीच में नहीं रहे जिसके कारण आज उपचुनाव होना पड़ा, लेकिन सुरेंद्र जीना जी ने बहुत सारे विकास के काम उस विधानसभा के अंदर किए थे और मैं कह सकता हूँ कि शायद ही है कि इतना काम कभी हुआ हो वहाँ उस विधानसभा में। लगातार जो जीतने का उनका वो था, वो वही कारण था कि वो काम विकास और वही विकास का कार्य और हमारे प्रदेश की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, निश्चित है कि वो धरातल पर वहाँ उतरी हैं और उसी को लेकर जनता के बीच में हम जाने वाले हैं और वो सीट। और संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान की तिथि घोषित कर दी जा चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से भी बताया गया कि सल्ट विधानसभा के अंतर्गत जो कार्यकर्ता आते हैं उन्होंने उनके साथ मुलाकात की थी, जानकारी उन तक पहुंचाई गई कि कितना काम अभी हो चुका है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो तैयारियां किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है उपेंद्र? 17 अप्रैल को वहां पर मतदान होना है। ऐसे में भाजपा ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और भाजपा के जो संगठन के जो लोग हैं वो भी जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं और लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं, वो तैयारियां जो है उनकी पूरी है। ऐसे में जिस प्रकार से सल्ट के विधानसभा से जो दिवंगत हुए हैं सुरेंद्र सिंह जीना, काफी पुराने विधायक हैं, कई बार के वो वहां पर विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जो भाजपा के नेता हैं वहां पर जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, जो बूथ स्तर पर जो है वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर लगातार प्रचार प्रसारों का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। लेकिन इस विधानसभा में अब देखना यह होगा, सबसे पहले दिलचस्प यह होगा कि भाजपा पहले किसे वहां पर उतारती है, क्योंकि जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह जीना वो दिवंगत हुए, उनकी जो पत्नी है वो भी कोरोना के चलते जो है उनकी पति भी दिवंगत हुई थी, तो ऐसे में उनके भाई पर भाई भी लगातार वहां से जो है वो दावा कर रही है कि हम जो है दावा कर रहे हैं कि मुझे जो है वो उस विधानसभा से जो है चुनाव लड़ाया जाए, उस पर भी पार्टी सोच सकती है या अन्य नेताओं को भी वहां से उठा सकते हैं। लेकिन वहीं से विपक्ष का को भी यहां पर देखना होगा, क्योंकि रंजीत रावत और रंजीत रावत के जो बेटे हैं वो भी लगातार वहां पर तैयारी कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में वहां जुटे हुए हैं, तो ऐसे में यह सीट किस तरीके से उनको वो जीती होगी उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है। हालांकि यह भी कहीं ना कहीं भाजपा यह देख रही होगी कि सिंपैथी वोट जो है कहीं ना कहीं उनके भाई को मिल सकती है, ये भी देखना होगा कि कहीं सिंपैथी के चलते जो है वो किसे इस बार जो है वहां पर टिकट देते हैं। क्योंकि बहुत धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान की तिथि घोषित हो चुकी है, साथ ही तैयारियां भी इस दौरान चुनाव को लेकर तेज कर दी गई है।